आधुनिकता के दौर में देवभूमि के नाम से विख्यात हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र मानवता को शर्मसार करने लगा है। लोगों ने इंसानियत की हदें इस कदर पार कर दी कि अपने बुजुर्गों को बीमार होने पर चिकित्सा परिसर में लावारिस छोड़ने लगे हैं। ऐसे में शिमला जिला के रामपुर स्थित चार जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाला महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी लावारिस मरीजों का अड्डा बनता जा रहा है। एक वर्ष के भीतर इस चिकित्सा सेवा परिसर में 10 से अधिक मरीज ऐसे दाखिल हुए हैं जिनका कोई तीमारदार नहीं है। लोग मरीजों को या तो परिसर में छोड़ जाते हैं या फिर 108 सेवा के माध्यम से चिकित्सालय भेज देते हैं। इस तरह से अधिकतर मरीज तो चिकित्सालय में ही दम तोड़ जाते हैं। अभी खनेरी अस्पताल में 2 मरीज ऐसे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। एक मरीज करीब 8 माह से खनेरी चिकित्सा सेवा परिसर में है। 200 बिस्तर वाले खनेरी चिकित्सा सेवा परिसर को ऐसे मरीजों के कारण सेवाओं में बाधाएं आ रही है। चिकित्सा सेवा परिसर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एनके मेहता का कहना है कि उन्हें यहां का प्रभार संभाले 6 माह हुए हैं। इस दौरान 7-8 मरीज ऐसे आए हैं जिनके साथ कोई भी तीमारदार नहीं होता है। उन्होंने बताया कि वे मरीजों को दाखिल कर देते हैं और साथ ही उन्हें दवाएं, उपचार और भोजन का भी बंदोबस्त करते हैं। उनका कहना है कि मरीज को अन्य सेवाएं या फिर रेफर में दिक्कत आ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मरीजों को ऐसे ना छोड़े। किसी भी जांच पड़ताल के लिए जाना हो और अटेंडेंट की बहुत जांच भी करना पड़े फिर वो मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ समस्त जनता से सभी से अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के मरीज को यहाँ पर ना छोड़े कि किसी न किसी को जिसके साथ अटेंडेंट होता है यहाँ पर पेशेंट के साथ रहे और ताकि मरीजों को किसी दुविधा में पड़ने की जरूरत न। वहीं स्वयं सेवी पवन कुमार ने बताया कि एक वर्ष के भीतर 10 मरीज लावारिस आए हैं। 108 एम्बुलेंस मरीजों को यहां छोड़ देती है तो कोई चिकित्सा सेवा परिसर लोग छोड़ जाते हैं। ऐसे मरीजों की देखभाल करने वाला उनके साथ कोई नहीं होता है। मेरा नाम पवन कुमार नेगी है, जो कि यहां एक साल के अंदर अंदर में 10 से ज्यादा पेशेंट ऐसे आ गए हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं होता है। कोई रास्ते में छोड़ देता है, कोई यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ देता है। तो मेरी सभी लोगों से एक गुजारिश है कि अपने माँ बाप को इस तरीके से ना छोड़ा जाए और उनको पूरा केयर किया जाए। जिस माँ ने अपने दूध पिला के इतना बड़ा किया हो और जिस बाप ने हमारे को उंगली चल के चलना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, तो मेरी एक गुजारिश है कि इस तरीके से ना छोड़ा जाए। और जो मतलब जो भी समस्या है यहाँ पर, अभी तक यहाँ पर 10 पेशेंट आ चुके हैं, कम से कम 10 से भी ज़्यादा हो गए होने हैं। जो मेरे पास डिटेल है वो 10 पेशेंटों की डिटेल है, जो कि यहाँ पर अंदर बाहर जाने की, टॉयलेट बाथरूम जाने की भी बहुत दिक्कत आ जाती है। चलो हम कर रहे हैं फिर भी थोड़ा बहुत सेवा कर लेते हैं, मगर जो जब छुट्टी होती है पेशेंट को या कहीं आगे उसको रेफर करना होता है तो उसके साथ कोई नहीं होने के कारण वो लाचारी अवस्था में फिर यहीं रह जाता है। तो मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को और अपने जो भी बीमार होते हैं उनके सही से ध्यान किया जाए। आदर्श हिमाचल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।